हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सेफ हो और अच्छे हो। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फ्लिपकार्ट हॉल। फ्लिपकार्ट से मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट परचेस किया है, जैसे कि मैं करती हूँ, यू नो लवर हूँ मेकअप, तो मुझे मेकअप प्रोडक्ट परचेस करना बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये हॉल पसंद आए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना रेड कलर के बटन को प्रेस करके। साथ में छोटा सा बेल आइकन भी होगा, उसे ही हिट कर देना ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो से अपडेटेड रहो। और आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल मीडियाज़ के साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो। सारी प्रोफाइल की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी। और हाँ, इस हॉल पे मैं जितनी भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उन सारे प्रोडक्ट की जो परचेस लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं डेफिनेटली मेंशन कर दूंगी। आपको अगर इनमें से कुछ भी लेना हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप जाके वो चीज़ परचेस कर सकते हो। सो चलिए विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये है मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन, और इन द शेड ये है सन बेज। ठीक है, मेरा जो शेड है वो न्यूड बेज है, 125 और 128 मुझे ज़्यादा सूट करता है मेरे स्किन टोन के। लेकिन ये वाला जो शेड है ये मैंने मेरे भाभी के लिए ऑर्डर किया है। इसका बड़ा पैक भी होता है, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये छोटा वाला पैक ऑर्डर कर सकते हो। ये जस्ट आपको 299 में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। दिस इज़ अफोर्डेबल प्राइमर इन दिस रेंज। प्राइमर में आपको इससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर नहीं मिलेगा। सो ये बहुत ही अच्छा है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, और इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो पर्पल इन कलर में है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है 299 है, अंडर 300, लेकिन डेफिनेटली मैंने इसे डिस्काउंटेड प्राइस में ही लिया है। मुझे अराउंड 225 या फिर 230 में ही मिल गया था। एग्जैक्ट जो प्राइस है मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। इसका जो फॉर्मूला है टेक्सचर डिटो कलर बार की तरह है, तो आप अगर चाहते हो प्राइमर, अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली ये वाला प्राइमर आपके लिए बेस्ट होगा अफोर्डेबल में। यस, पैसा बचाओ और मेकअप भी करो, सब कुछ एक साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन ब्लू हेवन का एक प्रोडक्ट लिया है, और ये है ब्लू हेवन का लूज पाउडर। और इसका जो पैकेजिंग है, इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की कि एक टब में आता है। जो प्राइस है वो जस्ट 125 रुपीज़ है। नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो है ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल, ये है इन द शेड टर्कोइश। सो टर्कोइश ग्रीन कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इस मेकअप लुक में भी मैंने इसे ही यूज़ किया है, तो मैंने इसे तोड़ भी दिया है, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अरे निकल भी जा, लुक एट द कलर, इट्स अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, क्रीमी फिनिश के साथ आता है, बहुत ही अच्छा। इसका जो प्राइस है वो है 275 रुपीज़। उसके बाद अगेन मैंने ब्लू हेवन का ये मस्कारा लिया है। सो इसका जो प्राइस है, मैं पहले प्राइस मेंशन कर देती हूँ, इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़। ब्लू हेवन की जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में मिलता है, जो लोग बिगिनर्स होते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, यू नो, ज़्यादा मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड स्कूल गोइंग गर्ल्स के पास इतना ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं होता है, अपने पॉकेट मनी से थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हो मेकअप किट बनाने के लिए। ठीक है, ये स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लेस वाला है, जो कि यहाँ पे ही मेंशन किया हुआ है। सो इसका वॉन्ट कुछ इस तरह की है, वॉन्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं एक बार अप्लाई कर लेती हूँ यार। नेक्स्ट मैंने अगेन ब्लू हेवन का ये पेन लाइनर लिया है, आप देख सकते हो ब्लू हेवन का पेन लाइनर। तो इसका जो MRP प्राइस था वो है 225, बट अभी ये 150 रुपीज़ में आ गया है, तो ये मुझे 150 रुपीज़ का ही पड़ा होगा। ये स्केच लाइनर मुझे ज़रूरत थी, यू नो, कुछ आई लुक क्रिएट करने के लिए, सो मैंने सोचा ये से ट्राई करती हूँ। मैंने इसका रिव्यू बहुत अच्छा सुना है, इस तरह की है, और इसका टिप भी बहुत ही अच्छा है, प्रिसाइज सा है, एंड जेड ब्लैक है। मैंने जस्ट हल्का सा टच किया है और ये इतना अच्छे से करता है, वाओ, बहुत ही जेड ब्लैक है और प्रिसाइज, आप लाइनर ड्रॉ कर सकते हो इसकी हेल्प से। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट, एक ट्विजर भी मिलती है लाइक दिस, इसकी हेल्प से आप अपने
आईब्रोज़ को अच्छे से फील कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा आपको एंगुलर ब्रश भी मिलता है जिसकी हेल्प से आप अपने आईब्रोज़ को फील कर सकते हो। और यहाँ पे छोटा सा एक मिरर भी है एज़ यू कैन सी गाइस। तो यहाँ पे ये जो कलर है ये है डार्क ब्राउन, ये है लाइट ब्राउन, और ये जो है ये काइंड ऑफ क्रीमी सा है। तो मुझे ऐसा लगता है यू नो कि इसके हेल्प से क्या होगा, अगर आप फील कर लेते हो अपने आईब्रोज़ को, उसके बाद आप इस जेल से अपने आईब्रोज़ को सेट कर सकते हो। सही बोलो ना, हाँ वही कर सकते हो, ठीक है। सो इसके हेल्प से आप अपने आईब्रोज़ को सेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा वाला है, काफ़ी दिनों से मुझे चाहिए था, मैंने बहुत सारे रिव्यूज सुना है कि ये बहुत ही अच्छा है, तो मैंने कहा अच्छा चीज़ मेरे पास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे है 499, बट मुझे 499 में नहीं मिला है, उसके डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है। तो मैं जो प्राइस है डेफिनेटली मैं अगेन बोलती हूँ, मैं अब डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूँगी। और मेरा जो शेड है वो है एश ब्राउन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी, ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर। यार इसके ऊपर ये सब देने की क्या ज़रूरत है, बेचारे को तंग करना, इसकी खूबसूरती को बाहर निकालती हूँ मैं। वेट, ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर। ये एक पिंक अंडरटोन का हाइलाइटर है, और मैंने थोड़ा सा इसका स्वच लिया था अपने हैंड से। सो ये थोड़ा सा पिंक अंडरटोन का हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा वाला हाइलाइटर है, मुझे चाहिए ही चाहिए था, मैंने बहुत सारा रिव्यूज़ सुना था, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, कोई चंकी ग्लिटर्स इसमें नहीं है, नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करता है। सो ये वाला हाइलाइटर डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इस हाइलाइटर का प्राइस है 499, तो और इसका जो क्वांटिटी है, नेट वॉल्यूम है, वो है 5.4 ग्राम। लव दिस हाइलाइटर, मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है मुझे हाइलाइटर लगाना कितना अच्छा लगता है, नो ग्लो ग्लो करता है फेस, तो आई लव द हाइलाइटर्स। साथ शेयर करूँगी ये आई शेडो पैलेट, ये है SFR कलर्स ब्यूटी आई शेडो पैलेट। मैं आपको पर्पल पिंकी स्टोन के आई शेडोज़ मिलेगा, शिमरी भी है, मैट है, तो ये काफ़ी अच्छा वाला आई शेडो पैलेट है। यहाँ पे एक मिरर भी है। मुझे कुछ पर्पल सा मेकअप करना था, इस वजह से मैंने ये SFR कलर्स का लिया है। वैसे ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप है, मैं आपको बता देती हूँ, ये हुडा ब्यूटी का ओरिजिनल नहीं है, ड्यूप है। इसका जो प्राइस है अगेन ये 299 या फिर 250 ऐसे में ही मैंने लिया है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। सो नेक्स्ट मैंने इसे लिया है। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये है इन द शेड गिव मी मोका। बहुत ही अच्छा न्यूड सा शेड है जो इस वक्त मैंने अप्लाई किया है, काफ़ी अच्छा वाला न्यूड शेड है। तो अगर आप न्यूड लवर हो लिपस्टिक में तो डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वाला लिपस्टिक है। और इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ ये स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर, इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़, ठीक है। और इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 15 ग्राम। सो इसका आउटर पैकेजिंग ये ऐसे ब्लैक कार्डबोर्ड इन पैकेजिंग में है, इनर पैकेजिंग स्विस ब्यूटी का अमेजिंग है, ग्लॉसी पैकेजिंग में लाइक दिस। ओपन करने के बाद यहाँ पे है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे टोटल आपको मिलता है 1, 2, 3, 4, 5 ब्लश शेड, एक है ये कॉन्टोर शेड और ये दो है हाइलाइटर। दीज आर द ब्लश शेड, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये सारे मैट में हैं। एंड मैं आपके साथ ये हाइलाइटर भी शेयर कर लेती हूँ कि हाइलाइटर का पिगमेंटेशन कैसा है। यस, हाइलाइटर के पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छा है। सो ये एक ओर्थ बाइंग प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आप बिगिनर्स हो, आप ज़्यादा मतलब अलग से हाइलाइटर लो, से ब्लश लो एंड अलग से आपको कॉन्टोर ब्रॉन्जर पाउडर लो, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली ये वाला एक पैलेट परचेस कर सकते हो जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। ये सब कुछ मिलता है तो आपको डेफिनेटली कुछ और परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कम प्राइस में है ये, जस्ट है 399, मतलब 400 में ही, अंडर 400।
तो कम प्राइस में है, अफोर्डेबल पे है, डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी की प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो अफोर्डेबल रेंज में हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है यार। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगेन एक प्राइमर, वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फेस प्राइमर मैट में। इसका जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़, और ये काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है, और इसका जो क्वांटिटी है वो है 25 ml। आप अगर चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी एक अगेन कॉम्पैक्ट, और ये है फ्रॉम फेसेस कनाडा कॉम्पैक्ट वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट विथ SBF 20। सो ये SBF के साथ आता है, शिया बटर। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 9 ग्राम, एंड इसका जो प्राइस है वो है अगेन 199 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है हम लोगों के लिए, यू नो पैसे बचाने की ज़रूरत है। कितना पैसे बचाऊँ, मेरे से नहीं होता है, जब भी पैसे होते हैं मुझे कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है। ओके, इसका जो आउटर पैकेजिंग वो ऐसे कार्डबोर्ड इन पैकेजिंग में है, और इसका इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है, ब्लैक ग्लॉसी इन पैकेजिंग में, पैकेजिंग वाइज जस्ट अमेजिंग। ओके, इसके अंदर में है ये एक मिरर, और ये है एक एप्लीकेटर जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका एप्लीकेटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे है आपका प्रोडक्ट, मेरा जो शेड है वो है बेज 03। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो ब्लश एंड हाइलाइटर ब्रॉन्जर, सब कुछ है, टू ऑल इन वन पैलेट मैंने लिया है, ठीक है। वैसे इसका नाम ऑल इन वन नहीं है, मैंने इसका नाम बस बता दिया कि ऑल इन वन है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मिलता है, तो डेफिनेटली ऑल इन वन ही हुआ ना। प्राइस है वो है 499 रुपीज़, और इसका जो क्वान्टिटी मतलब नेट वॉल्यूम है वो है 30 ग्राम, एंड इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, इनर पैकेजिंग लाइक दिस। ओके, सो लेट मी ओपन, वैसे इसे यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की है, यहाँ पे मेरा हैंड ऐसे चला गया था तो थोड़ा सा हो गया, ऐसा होता है, दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आपको टोटल आपको 60 जो है आई शेडोज मिलते हैं, ये है कॉन्टोर, ये हाइलाइटर, एंड दिस इज़ द ब्लश। आपको यहाँ पे मैट सिमरी सारे शेड्स मिलते हैं, मतलब आपको जो आई मेकअप फुल आई मेकअप के लिए जो शेड्स चाहिए होता है वो सब कुछ है यहाँ पे। ये जो 4 है, ये 4 ब्राउन अंडरटोन में जो है ये सारे है मैट आई शेडोज, एंड अदर्स जो है वो थोड़ा वो है शिमरी आई शेडोज, एंड इसका जो पिगमेंटेशन है अमेजिंग है। मैं आपको हाइलाइटर ब्रॉन्जर एंड ब्लशर का पिगमेंटेशन फर्स्ट दिखाती हूँ। सी, काफ़ी अच्छा वाला पिगमेंटेशन है। मैं तो आपको आई शेडोज की भी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। ये है आई शेडोज की पिगमेंटेशन, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पिगमेंटेशन है। तो लास्ट मैंने इसे नहीं, लास्ट ही नहीं है, इसके बाद भी एक और प्रोडक्ट बचा है, तो इसे मैंने लिया है। उसके बाद मैंने ये लिया है, ये एक फेस वॉश, ये है हिमालय का नीम फेस वॉश, और इसका जो प्राइस है 190 रुपीज़ है। बेसिकली मेरा जो है स्किन है बहुत ज़्यादा एक्ने एंड पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नीम फेस वॉश या फिर टी ट्री फेस वॉश, ऐसे ग्रीन टी फेस वॉश, इस तरह की फेस वॉश ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। बट ये मैं बहुत पहले से यूज़ करती हूँ, ये मेरे पास एक ऑलरेडी हमेशा होता है, तो एक ख़त्म होने वाली है, तो दूसरा मैंने परचेस कर लिया है। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 20 ml, सॉरी 200 ml। सो इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 200 ml। गाइज, ये था आज का हॉल, आई होप आपको ये हॉल पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और पास में छोटा सा बेल आइकन भी होगा उसे भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहना, बाय बाय।